स्टूडेंट क्लास 10th में है तो जरूर आज ये वीडियो देखिएगा, और वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो अभी तक जरा सा भी नहीं पढ़े, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो बच्चे जो मैथ्स में डर के अंदर समाया हुआ है कि हम फेल हो जाएंगे। तो आप फेल नहीं होंगे, पक्का नहीं फेल होंगे, बस हमारी इस वीडियो को देख लीजिए। आज से आपको जो भी आपके पास दिन बच रहे हैं मैथ के पेपर तक, आप इतना ही सवाल कर लीजिए, इतनी चीजें ध्यान में रख लीजिए। पूरा पेपर अभी हम आपको दिखाते चलेंगे, याद रखिएगा, पेपर दिखाएंगे साथ ही साथ बोर्ड पर बताएंगे कि आपको कैसे वो कर लेना है वो सवाल, तो आप जरूर 100% पास होके आएंगे ये मान के चलिए। वो आपका प्रैक्टिकल नंबर छोड़ कर दिए, ऑब्जेक्टिव भी सही कर लेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे अगर आप नहीं पढ़े तो। वीडियो देखना है, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए ना तो शेयर भी कर देना अपने सारे ग्रुप में, क्योंकि बहुत इफेक्टिव वीडियो होने वाली है, आप जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो पेपर दिखाते चलेंगे, उसका कितने कितने अंक का क्वेश्चन सारे रहेंगे वो भी दिखाते चलेंगे, और उसको हम समझाते भी चलेंगे बोर्ड पर यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे लगे, कैसे वीडियो का देखिए, अगर काम साफ आपको कम दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पेपर हम दिखाते चलते हैं, चलिए ठीक है। पेपर देखते रहिएगा, यहाँ पर आप पेपर देखिएगा, तो हम पेपर दिखाने चलते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको ये यहाँ पर एक मिल रहा होगा, देखिए टाइम, समय, आपके पेपर में आपको यह समय मिलता है, क्या मिलता है, समय। समय जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको जो मिलने वाले हैं वो टाइम आपको 15 मिनट पढ़ करके आप अपने पेपर को बिता सकते हैं, या वैसे ही यहाँ पर आपको जो है 70 अंक का देखने को मिलेगा, कितने अंक का, 70 अंक को मिलेगा। मतलब कि 70 अंक में से अभी भी आपको इसमें से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो देखना है। तो देखिए इसको हम बताने चलते हैं यहाँ पर, धीरे धीरे करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश कुछ दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, इस प्रश्न के 2 खंड हैं, ये सब चीजों को देखते हैं। ये खंड आ जो है ना वो 20 अंक का होगा, 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और जिनके उत्तर OMR शीट में देना, आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 के आपको ऐसे ये 4 आपके गोले रहेंगे, इसको आपको काला करना पड़ेगा पूरी तरीके से, इस तरीके जो भी सही रहेगा OMR आपको, OMR आपको मिलेगी, वो आपका 20 अंकों का रहेगा, कितने अंकों का, वो आपका 20 अंकों का रहता है, याद रखिएगा 20 अंकों का आपको मिलने वाला है वो OMR। तो पूरा वीडियो साइड में देखते रहिएगा, मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो दोनों देखते रहिएगा, अभी आपको पूरा पूरा क्लियर। और एक बात है, यहाँ पर इरेजर का प्रयोग, व्हाइटनर का प्रयोग कभी नहीं करना है, ध्यान देना है इस बात को, तो ये चीजें बात जाननी जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर OMR पर उत्तर अंकित किए जाने व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना, और 50 अंक जो है वो ऋणात्मक होंगे, मतलब आप 70 में से आपको जो 20 होगा, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समझिए 20 अंक आपका होगा OMR, और आपका 50 अंक होगा आपका लिखित वर्णात्मक, क्या होगा, वर्णात्मक होगा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस फार्मूले पर चलिएगा, ये आपका टोटल 70 अंक का होगा, कितने अंक होगा, 70 अंक का आपका ये होने वाला है, 70 मार्क का, जिसमें से आपका 20 अंक का आपका ये होगा और 50 अंक का होगा, ये तो आपको पहले से भी पता होगा, हमें पता है। तो यहाँ पर वो भी चीजें देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन जरूरी है आपको देखना। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 60 और आपका यानी एलसीएम 60 है और एससीएफ 30 है। ये देखिए क्वेश्चन का जो लेबल है आप किस तरह है, देखिए ये एलसीएम 60 है, एससीएफ 3 है, और एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन आपको समझना है। जब कभी भी आपको इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है आपका ये जो लासा होता है, जो लासा यानी एलसीएम और गुणे जो मासा होता है, वो आपका एक तरफ पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या, बात को समझे, इधर आपका एलसीएम और गुणा एससीएफ और बराबर में करके इधर आपका दोनों होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। तो आप एससीएफ एलसीएम को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका वो 60 दिया गया है, गुणा यह 3 दिया गया है, बराबर फर्स्ट संख्या आपका एक संख्या दिया गया है जो कि आपका 12 दिया गया है, तो और यहाँ पर सेकंड संख्या ज्ञात करना है, तो फर्स्ट संख्या 12 को यहाँ से उठा के ले गया और यहाँ नीचे चलाएगा, तो इसको आप काट दीजिए, 3 चौके 12 और 4 से इसको काट, 4 में 4 5 6
15 आ जाएगा, मतलब सेकंड संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 15। तो इस तरीके से हमारा 15 आंसर इसमें आ जाएगा, मतलब आपका सेकंड आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसमें? आपका सेकंड। अब इसमें आपका सेकंड सही होगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपको क्या करना है, आप जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखते हैं आप, प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं। अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या एक का लिखिए, तो एक का आपका कौन सा है उसको लिखिए, एक है तो एक, अगर का है तो का लिखिए, खा है का नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप इसका आंसर दे दीजिए कि इसमें हमारा आंसर दो सही है। क्या आंसर सही है? दो सही है। आप सही का चिन्ह लगा दी, बस इसका मतलब समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको क्या क्वेश्चन क्या था। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसा है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल आपको बताना है। देखिए अपरिमेय और परिमेय में आपको गुणनफल बताना है। रेखा युग्म समीकरण देखिए, क्वेश्चन देखिए भी पूरे दिखा देते हैं, जो आपको तैयार करना है उसके ऊपर पहुंचते हैं, और जो शॉर्ट शॉर्ट है उनको भी बताते चलेंगे, ताकि आपको रेखा युग्म का अद्वितीय हल है कि नहीं, अद्वितीय केवल अपरिमेय, हमें इसकी एक सारणी होती है, उस सारणी को अगर आप देख लेंगे तो ये वाला आंसर आप दे देंगे। जब उसमें क्या होता है कि उसके मूल होंगे तो वास्तविक होंगे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर विभाजन का शेषफल इतना आ रहा है, प्रथम तीन गुर्जों का योग आ रहा है, इसके बारे में कथन बताना है कि ये जो है इसके बारे में कथन सिद्ध कीजिए, बताइए। यहाँ पर देखिए, तो एक सवाल आपको के वाला जो मिलता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा के वाला, इस के वाले सवाल को आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज, दो त्रिभुज संगत होते हैं, समरूप होते हैं, कैसे समरूप होते हैं? त्रिभुज समरूप कब होते हैं? समरूप का मतलब एक ही आकार के होंगे, तो उनका जो कोण का जो हमारा कोण हो गए वो आपके बराबर होंगे, मतलब उसी तरीके से संगत कोण जो होंगे, अगर कोण बराबर होंगे तो उसका रूप तो एक ही तरह होगा, मतलब कोई कोण से कोई चीज मुड़ता है, कोई कोण से आपका उंगली इस तरीके से है, इसका मतलब कोण यहाँ पर कितना है, ये आपका कोण है। अगर आपका कितना भी छोटा रहे परंतु अगर उसी एंगल से अगर वो कोण इतना बढ़ रहा है तो आकार उसका वैसे ही बनेगा, तो कोण बराबर उसमें होंगे, ये बात ध्यान। और उसके बाद भुजाओं का जो संगत अनुपात होगा वो भी समानुपाती होगा, इस तरीके से आप देखेंगे। तो इसमें आपको सही करना क्या है, तो यहाँ पर आइए और देखते हैं समकोण, ये त्रिकोणमिति का आपका एक सवाल है, इसको त्रिकोणमिति में आपका जो लंबकड़ वाले सवाल आते हैं आपका, वो ध्यान दीजिएगा। दो टाइप के सवाल आपको यहाँ पर, एक आपका जो आता है यहाँ पर साइन ए बराबर 1/cos के वाले जो फार्मूले होते हैं, जो लंब बटा कर्ण वाला सूत्र पर होता है, मतलब इस पे सभी इस अनुपात पर, साइन पर, कॉस पर, टैन पर, इन पर जो छोटे छोटे वाले पार्ट इसमें आएंगे, बड़े में आपको नहीं आने, ये आपके ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। जो आपको पता है कि जो कोण का अनुपात मान वाला होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो होता है, वो सभी तो इसमें आपके आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपका भी त्रिकोणमिति का, उसके बाद आपका त्रिज्यखंड वाला निकालने का, त्रिज्यखंड का कोण का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पाई के मान निकालेंगे, आई स्क्वायर लगेगा, थीटा रखेंगे तो 360 निकालेंगे, हमेशा दिमाग बैठा लीजिए, आपका त्रिज्यखंड के सूत्र को इस पर रख दीजिए, जिससे इस सवाल को अगर हम निकालेंगे तो थीटा का मान हमारा 60 है और पाई का मान हमारा पाई 22/7 है, अगर इसको हम रखते हैं तो पाई आर स्क्वायर और बटा यहाँ पर 360, 360 से काट देते हैं तो 6 बार कटेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 6, ये क्या हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा अगर इसको काटते हैं। तो एक बात को ध्यान देना, इस पर अगर रखते हैं तो हमारा जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या को अगर हम रखेंगे तो 7 × 7 ये भी होगा, 7 2 बार कटेगा, तो कटने पर जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो होगी, 7 से कटेगा कुछ ना कुछ तो काट लेंगे। तो इस फार्मूले को हम रखना सीखेंगे, और क्या है इसमें, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग बैठाना है। धनात्मक विषम संख्या, माध्यिका, माध्यिका इसमें जैसे है आपका, इस सवाल में देखिए इसमें क्या है आपका माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकालना होगा, ये वाली सवाल का माध्यिका, और माध्य जो माध्य इतना है, बहुलक कितना है, तो माध्यिका क्या होगी, ये इसको निकालना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, इसमें तीन संख्या इधर है, तीन संख्या इधर है, तो 16 और 17 के बीच में क्या होगा, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि 16 जो होता है, 16 के बीच में हमारी कौन सी, 16 और 17 दोनों को जोड़ लेंगे, पहले अगर क्रम से है, पहले इसको और वही क्रम में सेट कर लेंगे, किसमें सेट कर लेंगे, और वही क्रम में, किसी भी क्रम में सेट कर, उसको दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो भी प्राप्त होगा
7 6 13 और 2 1 3 33, 33/2, मतलब 33/2 ये वाला हमारा सही जगह। इस तरीके से हम इन सवालों को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। माध्यिका, समांतर, माध्य, बहुलक। अब आ जाता है आपका वर्णात्मक क्वेश्चन जो कि आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो कि है आपको कौन कौन से क्वेश्चन करें, मैं उन्हीं पर सीधा डायरेक्ट चलता हूँ। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी हैं इनको हम लगाता नहीं, बाकी इजी तरीके से हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये कॉस इसका दो सवाल का मान स्पष्ट कीजिए, ये भाज्य क्यों नहीं है इसको सुन। और ये जो काट का मान है 7/8, आप दिमाग में लगाइए आपका वैल्यू है कि हाँ काश आपका काश 7/8 है। क्या है? काश 7/8 है। और इसमें अगर हम समझते हैं काश का सूत्र होता है क्या, काश का सूत्र जो होता है हमारा, ओ सॉरी काट का है, क्या है काट का सूत्र जो होता है वो होता है और आपका काश बटा साइन। क्या होता है काश बटा साइन, मतलब काश की वैल्यू 7 है और साइन की वैल्यू 8 है। अगर हम देखना चाहें तो ये है काश की वैल्यू, ये है। अब हमें सवाल में जो रखना है 1/+ साइन की जगह यहाँ पर है साइन थीटा अपान में, और यहाँ पर एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, यही है। और सेम यही प्रोसेस आपका या इधर आपका काश में है, यही प्रोसेस आपका काश में है। तो एक बार दिमाग लगाइए, ए आपका सूत्र बन जाता है, कौन सा सूत्र बन जाता है, a+b का माइनस ए माइनस बी का, ये बन जाता, सॉरी इंटू ए बी, ये बन जाता है कौन सा सूत्र, a² - b², मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक का इस माइनस साइन का स्क्वायर बन जाएगा, साइन का स्क्वायर बन जाएगा, इधर आपका कास का स्क्वायर बन जाएगा। तो दिमाग लगाते हैं तो 1 - साइन का हमारा जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू हमारी कितनी है 8, और इधर इसकी वैल्यू 7 है। इधर हम घटाएंगे तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे और इधर 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होगा और इधर हमारा 7 का स्क्वायर 49 होगा। और इसको अगर हम घटाते हैं तो माइनस आपका 64 - 63 होगा और इधर आपका 48 होगा। और इसको काट देते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, 63 और 48 आ रहा है, इसको काटने का जो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से सब छोटी छोटी सवाल को देख लेना है, मतलब आपको जो चैप्टर देखना है त्रिकोणमिति पार्ट देख लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति से सवाल बहुत ही बढ़िया से आती है। पहला चैप्टर आपको मिल क्या रहा है, कौन सा चैप्टर हमें देखना है, दिमाग में बैठा दे रहे हैं आपको त्रिकोणमिति। अगर आपके समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा लेकिन छोटी छोटी सवालें हैं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अभी से थोड़ा सा मेहनत कर दें बस, तो आपको 2 4 नंबर आपको त्रिकोणमिति मिल जाएगा। पहला कौन सा चैप्टर हम बता दिए, पहला हम पकड़ते हैं त्रिकोणमिति, कौन सा त्रिकोणमिति, ठीक है, ये आपका हो गया त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसमें से 2 चैप्टर अनुप्रयोग वाला भी आपको देख लीजिएगा, अनुप्रयोग वाला, अनुप्रयोग का भी त्रिकोणमिति, मतलब ऊंचाई और दूरी वाला, कौन सा ऊंचाई और दूरी वाला, ठीक है, ऊंचाई और दूरी वाला, ये वाला देख लेना है चैप्टर, पक्का देखना है। इसमें से आपका 5 नंबर का या 4 नंबर या 6 नंबर का सवाल आएगी, और इसमें भी आपका 4 सौ, इस तरीके से इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अभी सामने भी दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक आपको आयतन और संबंधित क्षेत्रफल से पढ़ लेना है, आयतन संबंधित क्षेत्रफल से बहुत ही इसमें से इफेक्टिव सवाल है, आयतन संबंधी क्षेत्रफल, यह है आयतन संबंधी, आयतन और आयतन क्षेत्रफल संबंधी सवाल जो होते हैं, आयतन और क्षेत्रफल संबंधी जो सवाल होती है इस पर हम पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ आपके सामने एक सवाल, आपके सामने भी दिख रही है, ये एक सवाल है, यहाँ पर देखिए ये आपकी सवाल है, पहली सवाल, यहाँ पर 2 घनों जिसमें प्रत्येक घन इतना है और समूह फलकों का ठोस बनाया गया है, तो ये आपका वही आयतन संबंधी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो अगली सवाल आती है, ये देखिए ये चैप्टर आपको देखना है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से देखना है, सांख्यिकी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सांख्यिकी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, तो इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, सांख्यिकी देख लीजिएगा। इसमें से आपको क्या देखना है, माध्य और माध्यिका यानी माध्यक और बहुलक, ठीक है, क्या देखना है, माध्य माध्यिका बहुलक, इन चैप्टर को देखना है। और तीनों पर वीडियो हमने बनाया है, तीनों वीडियो एक बार देख लीजिएगा और उसी तरीके से ट्राई कर लीजिए, अभी से पक्का इनमें से आपको मिलने वाला है, दिमाग बैठा देते हैं। इसमें से अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो ये मिलने वाला है, ये 6 नंबर का ये आ जाएगा, 4 से 6 अंक का ये आएगा, फिक्स है आपका, इसको जरूर तैयार करिए। आयतन संबंधी में ये भी 4 से 6 आएगा, ये भी आपका 1 4 में आएगा, 1 4 में आएगा, नहीं तो आपका 6 में मिला के 2 में, तो कुल मिलाकर 8 4 से लेकर के 8 अंक का ये मिलने वाला है। ओके, और जो आपको देखना है उसको भी दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, तो माध्य ज्ञात कर लेना है। फिर यहाँ पर अनुपात रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, अगर आपको जरा सा भी आता है, ये भी छोटी सवाल है लेकिन नहीं आता कुछ छोड़ दीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, उसको सत्यता की जांच कीजिए, एक शून्य तक शून्य ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद, इसमें से आपको यही सवाल ही देखना है, क्या देखना है, द्विघात बहुपद में से, द्विघात बहुपद से क्या करना है, शून्य की जाँच करना है।
शून्य निकालना और जांच करना, ठीक है, जांच करना, ओके, ये जांच करना, ये वाली सवाल लगा लेंगे, ये भी आपका 4 अंक तक सवाल मिल जाएगी। कितने अंक तक सवाल मिल जाएगी? ये आपको 4 अंक तक सवाल, ये भी आपको मिल जाएगी, कम से कम 2 से 4 अंक के लिए आपको मिल जाएगा। इसका शून्य बहुत ईजी है, मतलब कठिन ज्यादा नहीं है, इसको आप निकालना चाहेंगे निकाल लीजिए। फिर स्पर्श रेखा इसको छोड़ दीजिए, प्रायितारी छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैंने बोला बारम्बार था, ये 4 अंक को वहां था, देखिए वहां पर 2 अंक था, जो 2 6 अंक आपके सामने आ गया, यहाँ पर देखिए 2 अंक वहां था। अभी 2 अंक के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपका 4 अंक का यहाँ पर है, ये 4 अंक का यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसके पीछे जो था वो 2 अंक का था, यहाँ पर देखिए पीछे, ये देखिए माध्यक 2 अंक का था आपके सामने। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2 अंक का, यहाँ पर 2 और 4 आपका मिला के देख लीजिए 6 अंक का हो गया ना, और यहाँ पर मैंने 8 अंक दिया है। अच्छा ठीक है, 8 अंक भी होगा, अभी और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 को उलटने पर बड़ी संख्या, एक संख्या अगर आपको कर आपको आता है तो लैंग्वेज वाली सवाल को आपको देखना है। लैंग्वेज वाली सवाल कौन सी होती है? जो हमारा द्विघाती दो चर वाले होते हैं, एक दो चर वाले या द्विघात की जो भाषा वाली सवाल होती है। क्या? द्विघात की भाषा वाली सवाल। कौन सी भाषा वाली? जी की एक उम्र में इतनी उम्र बाप की है, इतनी बेटे की है, तो ऐसा होगा, ये दो संख्याओं का योगफल इतना है, तो उसमें जोड़ने पर इतना हो, ये वाली संख्या सवाल, मतलब ये भी सवाल आपकी छांक की आने वाली है, 4 से 6 अंक की ये भी पूछी जाएगी, या तो 4 अंक या 6 अंक का, ठीक है। और हम चलते हैं और दिखा देते हैं, यहाँ पर ये हमने जो दिखाया था ये वाली सवाल आ गई आपके सामने, जस्ट आप ही आपके सामने आ गई, ऊंचाई दूरी वाली छांक की मिलने वाली है, यहाँ से मैंने छांक लिखा है, ये देखिए छांक का, ये हो गया। फिर हमने आयतन संबंधी वाले के लिखा था, ये भी देख लीजिए छांक में आया हुआ है आपके सामने, देख लीजिए, अभी आपके सामने ही है, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो देखने में, देख लीजिए ये यहाँ पर देखिए, ये आपका रही, ये आपका ऊंचाई दूरी सवाल है यहाँ पर छांक का कन्फर्म, और यहाँ पर आपको देखिए एक बर्तन से उल्टे शंक्वाकार के यहाँ पर ये वाली सवाल आपको छांक के यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपके सवाल यहाँ पर इतना सवाल, अब बताइए, देखिए इसका अगर हम हिसाब करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ सवाल ज्यादा पूछेगी, देखिए क्लियर आपको अभी तैयार कर करना है, वो चीज हम बताते ही हैं, यहाँ पर आपको ये चैप्टर तैयार करना है, छांग की इसका हो गया, ठीक है, आयतन संबंधी अगर ये चैप्टर करें छांग की इसका मिलेगा, बहुलक का क्लियर करेंगे 8 अंक इसका मिलेगा, ठीक है, दिमाग बैठाइएगा, इसमें हमें ऐड कर रहा हूँ, ये हमारा 8 अंक ये हो जाएगा, 8 अंक ये हो जाएगा। शून्य की जांच करने का 2 अंक तो ये फिक्स ही है, ये 2 अंक का हो जाएगा। दो चर के द्विघात भाषा वाली सवाल अगर आपको आती है, ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं, त्रिकोणमिति से हमने बोला था अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो 2 अंक यहाँ पर पा जाएंगे, कितने अंक? 2 अंक यहाँ से आ जाएंगे। अब दिमाग में बैठाइए, एक मोटा मोटा मैंने बताया था, यहाँ से आपको सवाल मिलने का तरीका, देखिए 2 6 2 8 आपका ये हो गया, 8 6 14 ये हो गया, 14 और 8 आपका 22 हो गया, कितना? 14 8 22, और 22 2 आपका कितना हो गया? 22 2 आपका हो गया 24, और इनमें से भी जो बताया अगर इसमें से कर लेते हैं 24 2 26, मतलब पास आप हो गए, पास आप हो गए, केवल आप इतनी सवाल को क्लियर करना है, जो जो सवाल अभी आपने स्क्रीन पर अभी आपने जो देखा सवाल, वही सवाल आपको लगाना है, बस वही वही सवाल, समझ में आई बात? ठीक है, कौन कौन से सवाल फिर बारी बार आपको रिविजन पेपर में कर देते हैं, पेपर में देख लीजिएगा, देखिए पेपर में क्या क्या चीजें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला काम ये देख रहे हैं आयतन संबंधी, आयतन वाला चैप्टर में आपको 15 सवाल मिलने वाली है, आपकी बुक में है 15 20 सवाल, उसको लगा लीजिए, वैसे आपको 15 20 सवाल पूरा रट डालिए, लगा डालिए उसको, ये आपका मिल जाएगा यहाँ से आयतन वाले सवाल में से, ये जो हमने यहाँ पर 6 नंबर लिया इसमें से आपका आ जाएगा। फिर ऊपर देखिए 21 तरीके के सवाल हैं, आप सामने देख लीजिएगा, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दूर ऊंचाई दूरी वाले में देखिए 6 अंक का है, एक आप 2 कोण 30 अंश का 45 अंश का बना हुआ है, उसके पीछे शिखर से आपको बहुत ही तरीके से इस पर हम सवाल देखिए अभी लाएंगे, हमारे चैनल पर रहेंगे, तो इन सब टाइप के सवाल हम लाएंगे, जो बता रहे हैं ना इन सब सवालों को लेकर भी आएंगे, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इनके सवाल को लेकर वही सवाल आपको ट्राई कर लेना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भाषा वाली सवाल जो हमने बोला 2 अंकों को उसको लटने पर इतने 5 वर्ष हमें नूरी की आसून की, और 10 वर्ष गुनी है, ये वाली हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो माध्यक आपका, इसको भी सवाल हमने लाया है, इस सवाल को जरूर लगा लीजिएगा, फिर इसको सारा आप छोड़ दीजिए, 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर यहाँ 4 अंक का देख लीजिए, ये वाली सवाल आपकी एक जगह 6 अंक का एक जगह 4 अंक का, तो 4 2 10 अंक तो यही हो गया, यही देख लीजिए 10 अंक का तो यही हो गया।
आराम से लगा लेंगे। तो ये सवाल हो गई। उसके बाद आप छोड़ दीजिए सारे सवालों को, यहाँ पर माध्यक का आपको मैंने बताया है इस तरीके से पूरा सवाल। अब आप देख लीजिएगा, 10 यहाँ से, 10 दो 12, 12 8 20, 26 6 32 2, 32 2 34, 35 अंक पा गए 50 में। बताइए यार क्या दिक्कत है आपको, 35 अंक अगर आप पा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है बताइए। आप पा जाएंगे, आराम से पा जाएंगे, पूरा यही आप फार्मूला यूज करिए, इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, शायद आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आखिर क्या होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ी है, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आपको ये गणित में आप पास हो जाएंगे। हिंदी का आपका मॉडल पेपर, मतलब हिंदी का आपका पेपर, ये पेपर आपका 2020 के 2024 के लिए ही बना है, तो वही पेपर को हमने दिखाया है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना, आपको हिंदी का हम रिविजन करवा के दिखाएंगे, हिंदी में कौन कौन सा देखना है, उसके साथ साथ साइंस को दिखा देंगे, इंग्लिश का दिखा देंगे, सामाजिक विज्ञान का दिखा देंगे। पहले हम इसके बाद लेकर आएंगे हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश का, फिर साइंस का, इसी में से हम लेकर के आएंगे। तो जरूर स्टे रहिएगा, इसी तरीके से बताएंगे आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कैसा लगा है वीडियो, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने एकदम एग्जैक्ट है, बाकी स्क्रीन पर सारे पेपर भी दिखाए हैं। तो वीडियो देखिए अगर कम साफ दिखाई कोई नहीं, लेकिन आपको मैटर नहीं गया है। ओके, आप क्या करें, सपोर्ट आप लोग करेंगे तभी तो हमारा कुछ होगा, आपको 11th में काम आएंगे, 12th में भी आपको काम आएंगे, अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, तो जरूर आप कुछ ना कुछ तो हेल्प करना चाहिए, मांगता है वो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।